बिलीव करना होता है, सीइंग इज बिलीविंग, क्या बोलते हैं हम लोग, देखने से ना बिलीव करते हैं। तो ये देखेंगे नहीं तो बोलेंगे मूर्ति साहब ने क्या दिखाया, कुछ नहीं दिखाया, हवा में बात करते हैं, ये बोलेंगे ना। तो अब जो है ये बेसिकली ये हमको दिखाता है, ये स्लिम बोरोल स्कैनर जो है हम लोग इसको जब अंदर डालते हैं, नॉर्मली हम लोग बोल्टिंग के लिए 38 मिलीमीटर का ड्रिल होल करते हैं कोयला के रूप में या रूप सैंडस्टोन के रूप में, और उसको ये अंदर डाल देते हैं। और ये सिंपल है, बहुत ज़्यादा वजन नहीं है, आराम से इसको कनेक्ट कर देते हैं, और 2 मीटर तो आराम ही मतलब हम ही लोग कर सकते हैं। उसके बाद और लंबा भी करना है तो 6 मीटर तक जा सकते हैं रॉड एक्सटेंशन डाल करके, ठीक है। तो ये एक्सटेंशन है और कुछ नहीं, ठीक है। और इसमें ये एक डेटा एक्विजिशन पोर्ट है ये, तो इसको हम लोग यूज़ करते हैं जब वो इमेज खींच लेता है। करता क्या है इसमें, ये देख रहे हैं यहाँ बटन्स दिख रहे हैं, ये पूरा LED है और एक अंदर में कैमरा है। ये LED जब ग्लो करेगा, जब ये अंदर जा रहा है तो ये लाइट बोरहोल के चारों ओर पड़ेगा और वो जो इमेज है ये कैप्चर करता है कैमरा, और जैसे जैसे अंदर जाएगा वो कैप्चर करते जा रहा है, करते जा रहा है, एक तरह से वीडियो रिकॉर्डिंग टाइप का। फिर वापस आते वक्त भी एक तो ले लेगा। दोनों को हम लोग क्या करेंगे, इन एंड आउट बोलता है उसको, तो इसको ये लगा करके सिंपली कंप्यूटर में ट्रांसफर कर देते हैं इसको USB केबल से। 2 इमेज मिल गया और कुछ नहीं, इसमें सिंपल एकदम, इसमें कोई ज़्यादा फंडा भी नहीं है, ठीक। हाँ, उसको समझने के लिए क्या करते हैं हम लोग, बोरहोल डेटा अगर मिल जाता है हमको, उसको बगल में रखते हैं कि सर पत्थर जैसा जैसा बदल रहा है हमारा इमेज कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। इमेज के लाइट के प्रति डिपेंड करता है, लाइट अच्छा पड़ा तो अच्छा, में तो एक थोड़ा सा समझने में 1-2 होल पर देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा स्ट्रेटा कहाँ पर है, चेंज कहाँ हो रहा है, कोई कैविटी है क्या या कोई लेयरिंग है क्या, क्रैक है क्या, हर चीज़ पता चल जाएगा। और इसको जूम करके देख सकते हैं अच्छे से, ठीक है। तो पर्पज़ ये था इसका कि बेसिकली लोकेशन ऑफ द होराइजन्स चेंज, लिथोलॉजिकल चेंजेस, जियोलॉजिकल चेंजेस, स्ट्रक्चरल चेंजेस, कैविटीज, सब पता चल जाए। ये पता चल गया तो सर 1 मीटर के बाद सर एक ऐसा लेयर है जहाँ पर थोड़ा लेयरिंग दिख रहा है हमको और वो डिटैचमेंट का नज़र दिखता है हमको या क्रैक दिख रहा है सर उसको, इसका मतलब वहाँ से छूटने का चांसेस है। जो हम लोग अक्सर देखते हैं ना रूफाल गिर गया आदमी मर गया, तो एग्जैक्टली ये कोल माइंस का जो जर्मन माइंस के लिए ये बनाया गया था, जर्मनी से बना हुआ है, DMT कंपनी है। कौन सा DMT, ठीक है। तो 6 मीटर तक हम लोग अंदर डाल करके देख करके फिर हम लोग बोल्टिंग लेंथ को फिक्स करते हैं इससे, कि ताकि ये क्रैक को पार करके उसको बोल्ट करना पड़ेगा, दैट मीन्स बोल्ट लेंथ हम डिसाइड कर सकते हैं, एक साइंटिफिक तरीके से देख के डिसाइड कर सकते हैं। हाँ, बोलेंगे सर ड्रिलिंग के दौरान गिर गया तो थोड़ा सा जुगाड़ लगा करके करते हैं, ऐसा नहीं कि एकदम बिल्कुल, ऐसा पता भी चल जाएगा कि रूफ अगर इतना खराब है तो पता चल। प्रॉब्लम क्या होता है, रूफ दिखने में बड़ा अच्छा दिखता है, सडनली थोड़ा आगे बढ़ा फेस, दो बार ब्लास्ट करके आगे बढ़ा, देखा कि हाँ छत गिर गया, खास करके जंक्शंस में कोई फॉल्ट आया, कोई स्लिप आया, वो भी पता चले। तो जहाँ जियोलॉजिकली डिस्टर्ब्ड रॉक्स है उसको ये देख के बताने में बहुत माहिर है, समझ गए। जुगाड़ थोड़ा लगाना पड़ेगा, हो जाएगा, ड्रिल रॉड मिल जाता है, उसको एक्सटेंड करके 6 मीटर कर देते हैं, फिर 6 मीटर तक नपाई हो जाती है कि क्या कैसा पत्थर है। और ये रेगुलर नहीं करना आपको, हर 100 मीटर में जब लगता है कि जियोलॉजी चेंज हो रहा है, आवाज आ रहा है, कुछ चुटपुट गिरने का लोग रिपोर्ट करते हैं प्रीवियस मतलब जो डेटा से, तो उससे डिसाइड करते हैं, हाँ ये टाइम आ गया कि भाई कुछ जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, और ये ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, बेस्ट है रूफ के लिए ऐसा भी कर सकते हैं, बट यहाँ टिकेगा फिर, इसमें तो टिकने का चांस कम है, ये तो सीधा जाएगा जैसा उतारेंगे, और रिंग यहाँ स्पेसर से रहता है, नाम क्या स्पेसर चढ़ा देते हैं तो क्या सेंटर में जाएगा, स्पेसर ऐसा भी जा सकता है ताकि ये सेंटर में रहेगा और जो लाइट पड़ रहा है उसको वो रिफ्लेक्ट करके इमेज बना रहा है, उस इमेज को एनालिसिस करके हम लोग डिस्टेंस ले रहे हैं, ठीक। सर रूफ बैंड कर जाता है तो वो ज्यादा गिरता है सर, हाँ क्या होता है, जहाँ लेयर्ड है तो वीक है और मैसिव है तो स्ट्रॉन्ग है, बोलते हैं ना हम लोग, और उसी को बांधने के लिए हम लोग बोल्डिंग करते हैं, लेयर सबको इकट्ठा बना के कंबाइन, उसको बोलते हैं बीम बिल्डिंग बोलते हैं, पड़े होंगे ना बीम थ्योरी, बीम थ्योरी करेक्ट। तो लार्जर बीम ज्यादा क्षमता है, बेंडिंग कम होगा,
और पतला बीम है, बेंडिंग होके टिल्ट टूट जाएगा, शियर रेजिस्टेंस कम रहेगा। हां क्या बोलिए आप, ये एक्चुअली समझ लीजिए, आप पकड़ लीजिए स्लिम बोर्ड, स्लिम बोर्ड है। यस सर। और